मौजूदा भाजपा सरकार के विगत 4 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर भाजपा के नुमाइंदों द्वारा प्रदेश के शहर शहर और गांव गांव में विकास यात्रा निकाली जा रही है। वहीं धरातल से देखा जाए तो प्रदेश की जनता एवं विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों का विकास यात्रा को लेकर यहां कहना है। आप पूर्व वार्ड नंबर 13 के पार्षद रह चुके हैं, उनके लिए परिषद के अंदर रामपुरा में अब तक के जो वर्तमान सरकार है उसने क्या विकास किया? विकास तो छूटमूट हो रहे हैं, जो विकास होना चाहिए। अभी हाल ये जो विकास यात्रा निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहाँ कहाँ निकलेगी? ये पूरे मंडल में, पूरी विधानसभा में निकलेगी। ऐसा तो विधानसभा वाइज विकास यात्रा है, उसमें 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक 20 दिन तक पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का काम विकास यात्रा के माध्यम से माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी लोगों तक पहुँचने का काम। सर, मौजूदा सरकार द्वारा अभी ये जो विकास यात्रा चलाई जा रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है? ये विकास यात्रा नहीं है, बीजेपी की प्रचार यात्रा है। जो सरकारी मशीनरी के दम पर बीजेपी अपनी राजनीतिक पॉलिटिक्स चमकाने में लगी हुई है। आज आप देख रहे हैं, ये कहावत है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार मांग के की पियो। आज मध्य प्रदेश दिवालिया प्रदेश बन चुका है। आज भाजपा के 18 साल के कुशासन में जनता त्रस्त है, प्रशासन अस्त व्यस्त है और किसान बेरोजगार आज दुखी है। आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आम जनता पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। उसका पूरा मानस बन चुका है कि आने वाले 10 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से वह पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। क्या नाम सर आपका? मैं अजय मदन ग्रासिया। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी हाल विकास यात्रा निकाल रही है, अभी हाल कल आपने देखा होगा रामपुरा में थी, आज खिमला क्षेत्र के अंदर है, तो क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, विकास यात्रा जो है ये तो मजाक। सर, मौजूदा सरकार द्वारा विकास यात्रा चलाई जा रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो विकास यात्रा है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी नाकामियाँ अभी जो हुई है इन 15 सालों में, उसको छुपाने का एक जरिया है। इससे आगे